क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट, इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। आज जोर की विनती है, यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है गाइस। ये हमारा सफर जारी है, हम आगे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। और आपको इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में हम आ गए, आपका मनोरंजन करते जाएंगे। यहाँ से रास्ते का थोड़ा रुख बदल गया है और ये थोड़ा खतरनाक रास्तों में हम अब देख सकते हैं कैमरे के सामने। और ये सच्चाई है, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और मैं अपने साथियों के साथ आगे का सफ़र तय करने जा रहा हूँ। और आगे मेरा कैमरामैन भी बहुत सारी मुश्किलों के साथ मुझे कैप्चर करते हुए जा रहा है। ये सब आप लोग के लिए है, आप किस टाइप से हमें लाइक करते हैं ये देखेंगे। साथियों, रास्ते के साथ साथ बहुत ज़्यादा घनी आबादी और जंगल है, हो सकता है यहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर भी होंगे, मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बस देखते हैं आगे किस टाइप से है। आप यहाँ का जंगल का नज़ारा देख सकते हैं किस टाइप से। गर्म वादियों में और इतनी गर्मी में तपती धूप में हम आप लोग को एक एंजॉयमेंट के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना करके देना चाहते हैं। और हम ऑलमोस्ट लगता है कि हम वाटरफॉल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि यहाँ कुछ पोर्शन दिया है लिटरली ऑन द साइड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये हम लोग आई थिंक हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजर एरिया में, अब हम डेंजर जोन में कदम रखने जा रहे हैं। और मुझे इस डेंजर जोन में कदम रखते हुए बहुत उत्सुकता हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो वादियाँ और यहाँ का जो वातावरण है और कुछ ही दूरी में हमें पानी की कलकलाहट और शोरगुल के साथ हमें आनंदित कर रही है, आकर्षित कर रही है कि हम उसके करीब पहुँचे। और आज का दिन संडे का था, हमने सोचा कुछ एंजॉय करें। और आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये बहुत ही खतरनाक है यार। ये रहा रास्ता और यहाँ से तो और भी बहुत ही डेंजर है, पता नहीं हमारा कैमरामैन भी पीछे रह गया, हमारा तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है, कैमरामैन का ब्रेक लगा हुआ है और वो हमें फॉलो करते भी आ रहे हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये हम कुछ पल बहती हुई नदी के पानी के किनारे कुछ समय हम यहाँ पे निकालेंगे। और ये दोस्तों ये एक निर्मल जल है और जल का आनंद लेते हुए हमारे
हिंदी में कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना। और हम भी इसी के साथ में हाथ धोते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं नज़ारा हमारे यहाँ भी है, परंतु हमने बाहर से यह सब कैप्चर करके आप लोग के लिए बनाया हुआ एक प्लान है। इस प्लान में थोड़ा बंदर की तरह हम भी इधर के उधर उछल कूद करते हुए और समय का आनंद लेते हुए हम आगे की ओर चल रहे हैं। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। चलो को व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अम्ब्रेला रॉक। सो हाउ मेनी टाइम टेकिंग यू? 5 मिनट। ओके सो दोस्तों हम आगे अम्ब्रेला रॉक की तरफ जा रहे हैं और हमारे गाइड के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे का क्या नज़ारा है, वो जिस जगह का जा रहे हैं उस जगह का नाम है अम्ब्रेला रॉक। ये अम्ब्रेला रॉक हम आपको कुछ क्लिप के द्वारा दिखाएंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। आपको और एक विशाल का पत्थर और शिला, इसके नीचे से आगे का रास्ता तय करते हुए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर और दार्शनिक स्थल है, एक किला है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये प्रकृति की सुंदरता और इसके रहस्य, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मेरा गाइड जो है तबला की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पे प्रसाया प्रचलन वगैरह कुछ है। इधर साउंड इज कमी, साउंड इज कमी। सो आई एम जस्ट ट्राई वन टाइम। दोस्तों ये प्रायः लोग मनोरंजन के लिए तबला की तरह आवाज करते हैं और ये आपको दिखाते भी आगे चलेंगे हम आपको। ओके लेट्स गो, चलिए लेट्स गो। ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हुई और ये फिर से हम उस नदी के किनारे आ गए जहाँ से हमें आगे जाना है। और ये विशाल का है किला, हम लोग पत्थर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों ये है ईसाई का किला और पत्थर, कुछ लोगों ने कुछ लिखा हुआ भी है जेक थोइना। और आपको हम कुछ और नया कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। एक लेडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह लकड़ी का बनाया हुआ है और ये लकड़ी बहुत ही मजबूत और बहुत दिनों के से बनाई हुई है। मुझे लगता है यहाँ पे जब पानी की स्थिति बढ़ जाती होगी उस समय इसका उपयोग लोग करते हैं। और हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं पहाड़ों पर, पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे।